कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 10 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मोहन यादव भाजपा के नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पटवारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वचन पत्र का उल्लेख करते हुए उन वादों की याद दिलाई जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तत्कालीन मुख्यमंत्री के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने वचन पत्र में बहनों को 3,000 रुपये महीना, 450 रुपये में गैस सिलेंडर और किसानों को 2,700 रुपये क्विंटल गेहूं देने का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक रोजगार तो नहीं मिला, बस नशे में धुत युवा जरूर मिल रहे हैं। यह गंभीर मुद्दे प्रदेश के विकास के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। मोहन भैया, कृपया करके आप ध्यान दें, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पर, आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने, उसमें कहा था मैं 3,000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा 5,000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3,000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे। उससे ज्यादा डबल ट्रिपल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं, तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।